भारत के संविधान में पार्ट टू के अंदर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रावधान प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 5-11 5 से 11 तक के जो आर्टिकल है वह सिटीजनशिप से डील करते हैं। अगर इन सबको हम देखें तो हमें पता चलता है कि भारत के अंदर 5 तरीकों से सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। यह पांच तरीके कौन कौन से हैं? तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी कि वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि जो पंजीकृत होती है उसके आधार पर, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, या फिफ्थ नंबर का जो है वह है सिटीजनशिप थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब कि भारत कोई अगर राज्य को जीत लेता है, किसी टेरिटरी किसी प्रदेश को जीत लेता है, तब वह प्रदेश वाले जो लोग है वह भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि गोवा के लोग जो है वो उसको इसी तरीके से भारत के नागरिक सिटीजनशिप जो है वो दी गई थी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इसको याद रखने की हम ट्रिक देखते हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और टेरिटरी, यहाँ पर सिर्फ हम टेरिटरी याद रखेंगे। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो BDRNT अगर इस तरीके से याद रख ले तो हमें याद रह जाएगा BDRNT। तो यहाँ पर एक कुछ समय पहले एक ये सीरीज आई थी आश्रम, इससे आप याद रख सकते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है यह है बॉबी देओल। तो आपको क्या याद रखना है? आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं, बॉबी देओल रियली नीड्स ट्रीटमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो वेब सीरीज थी इसके अंदर ये जो बॉबी देओल जो है वो धर्मांध हो जाता है और खुद को ही भगवान समझने लगता है और ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने लगता है कि जो देश के लिए, राज्य के लिए, सभी के लिए खतरनाक रहती है, और एक तरीके से धर्म के नशे में जो है वह चूर हो जाता है और खुद को भगवान समझने लगता है और बहुत दुष्कृत्य करने लगता है। तो बॉबी देओल रियली नीड्स ट्रीटमेंट, इससे आप क्या है? बी से क्या याद रखेंगे? तो बी मतलब कि बर्थ, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब डिसेंट यानी कि वंश, आर का मतलब क्या? आर का मतलब रजिस्ट्रेशन जो पंजीकृत से होता है वो, एन का मतलब क्या? एन का मतलब नेचुरलाइजेशन, और टी का मतलब टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फिर से एक बार देख लेते, बॉबी देओल रियली नीड्स ट्रीटमेंट, बी से बर्थ, डी से डिसेंट, आर से रजिस्ट्रेशन, एन से नेचुरलाइजेशन, और टी से जो है वो टेरिटरी यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अभी साथ में देख लेते हैं कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हम किस तरीके से सिटीजनशिप को गवा देते हैं, इसको लॉस करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इसको लॉस्ट करने के टोटल 3 तरीके हैं। यह मतलब कि सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और गवाने के, लॉस करने के 3 तरीके हैं। और यह सभी जो तरीके हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में नहीं दिए गए हैं, लेकिन पार्लियामेंट संसद के द्वारा जो बनाया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसके अंदर दिए गए हैं। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप किस तरीके से होती है? 3 तरीके से हो सकती है। यह 3 कौन कौन सी है? रिनन्सिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। रिनन्सिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। रिनन्सिएशन का मतलब क्या? रिनन्सिएशन का मतलब त्याग करना। कोई इंसान अपनी खुद की तरीके से, अपने खुद से ही जो है वो त्याग कर देता है भारत की नागरिकता, तब वह उसकी सिटीजनशिप जो है वो लॉस हो जाएगी। मान लो कि कोई इंसान है वह खुद ही बोल देता है कि मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना है, मैं रिनन्सिएट करता हूँ, मैं भारत की नागरिकता का त्याग करता हूँ, तो रिनन्सिएशन। दूसरे नंबर का है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? जब कोई इंसान जो है भारत के अंदर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, मतलब कि आप जो है वो कोई एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं, दो देश के नागरिक नहीं हो सकते। तो मतलब कि मान लो कि भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो जैसे ही वह कोई दूसरे देश यानी कि फॉरेन टेरिटरी की, फॉरेन कंट्री की, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भारत की नागरिकता है ना वह टर्मिनेट हो जाती है। जैसे ही वह किसी फॉरेन कंट्री, दूसरे देश की नागरिकता, सिटीजनशिप प्राप्त करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कि समाप्त हो जाएगी। और तीसरे नंबर का है क्या है? तीसरे नंबर का है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब क्या होता है? वंचित रखना, किसी इंसान को किसी चीज़ से वंचित रखना। तो मतलब कि मान लो कि कोई इंसान है वह कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, या फिर मान लो कि वह देश विरोधी कोई प्रक्रिया करता है, देश हानि की कोई प्रक्रिया करता है, तब सरकार जो है उससे उसकी नागरिकता छीन सकती है, उससे उसको उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। पहली बात यहाँ पर, दूसरी बात भी हो सकती है। मान लो कि कोई इंसान जो है वह फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर जो है वो भारत का नागरिक बना है। इससे पहले हमने देखा कि नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन से नागरिक बन सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट देने रहते हैं, तो मान लो कि वह डॉक्यूमेंट उसने गलत दिए है, फ्रॉड करके वह उसने नागरिकता प्राप्त की, तो बाद में सरकार को यह पता चलता है तो सरकार क्या करेगी? उससे उसकी नागरिकता छीन लेगी, डिप्राइव कर देगी, उससे उसकी नागरिकता से डिप्राइव कर देगी, वंचित कर देगी।
तो मतलब कि तीन तरीके हैं, रिनन्सिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे हम याद रख सकते हैं RTD से। RTD वर्ड कैसे याद रख सकते हैं, रिटायर्ड। कोई भी इंसान रिटायर्ड कब होता है, जब वह बूढ़ा हो जाता है। तो मतलब कि समझ लो कि सिटीजनशिप जो है वह रिटायर्ड हो गई, सिटीजनशिप नागरिकता क्या हो गई, रिटायर्ड हो गई। तो RTD यानी कि रिनन्सिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन, इस तरीके से आप दोनों याद रख सकते हैं।